बिग ब्रेकिंग, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंची हैं शेख हसीना। हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना का विमान लैंड हुआ है और लगातार ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं बांग्लादेश में किस तरीके का घटनाक्रम हुआ। अब पुख्ता जानकारी ये कि गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंची हैं शेख हसीना और उनका विमान लैंड हो चुका है। अलग अलग जगह एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के अफसर हालांकि मौजूद हैं हिंडन एयरबेस पर, अभी ये साफ नहीं हो पाया कि कहां वो पहुंचेंगी। अलग अलग तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, शुरुआत में फिनलैंड जाने की बात सामने आई थी, अब यह तय हो गया है कि वो पहुंची हुई है गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस जहां उनका विमान लैंड हुआ है। हिंडन एयरबेस पर वायुसेना के जो अफसर हैं, भारतीय वायुसेना के अफसर, वो भी यहां पर मौजूद हैं। उनके भारत में रहने की भी बात कही जा रही थी, उनके लंदन जाने की भी बात कही जा रही है। इन सबके बीच आगे क्या अपडेट होगा उस पर सबकी नजर, पूरी दुनिया की नजर इसी बात पर टिकी हुई है। एक लंबे चौड़े घटनाक्रम के बाद उन्होंने अपना पद छोड़ा, अपना आवास छोड़ा और फिर वो पहुंची हैं अब हिंडन एयरबेस, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस, और उनके विमान की हुई है लैंडिंग। ये साफ नहीं हो पाया कि कहां वो जाएंगी। बहुत तेजी से बदलता बांग्लादेश का जो घटनाक्रम है, आर्मी अंतरिम सरकार वहां बनाने जा रही है, इस तरह की बातें निकलकर सामने आई हैं। और उससे पहले अपना देश छोड़कर शेख हसीना, पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश, वो पहुंची है गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस। आगे वो कहां जाएंगी इसे लेकर अभी कुछ भी साफ नहीं है।